बारिश में कच्चे हो गया है रास्ता। अगली बार तो अच्छा था। इससे देख रहे हो भाई, अपरोड हो रहे हैं। बाइक यहाँ खड़ा करके हम जा रहे हैं, अभी ऊपर चल के जाना पड़ रहा है कि देख तो रास्ता है कि खराब है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम आज जा रहे हैं चंद्र हासिनी, जो कि बुल्ला से 120 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अभी हम निकल चुके हैं, डाइक रोड आ चुके हैं। अभी सुबह का ये देखो, सुबह 7 बज चुका है। अभी सुबह सुबह हम निकले हैं, ये रहा हमारा बाइक, तो इसी पे हम मेरे एक दोस्त के साथ जा रहे हैं। तो ये देखो, हम डाइक रोड पे आ चुके हैं। तो चलो चलते हैं, अभी हम डाइक रोड पे ही जाएंगे, सीधा निकलेंगे बरगढ़। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे, मतलब हमारा टूर रहता है और कैसे हम जाते हैं, कैसा जर्नी रहता है। तो चलो वीडियो को एंजॉय करो और लास्ट तक बने रहो। तो चलो चलते हैं। अभी हम होटली पहुंच गए। ये लोगों ने 50 किलोमीटर चल के रुका हुआ है, जैसे अभी नाश्ता करते हैं होटली पे। तो यहाँ थोड़े नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे हमारा मंदिर पे। तो चलो चलते हैं। तो संबलपुर का फेमस चावल वड़ा खा रहे हैं हम अभी। हम बर्गर से नाश्ता करके अभी सीधा निकल रहे हैं
हमारा मंजिल पे। तो चलो चलते हैं, और हो सकता है प्लान थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हम नहाने जाएंगे आपकोल वाटरफॉल में, ये प्लान हो रहा है। देखते हैं, यदि पास में पड़ेगा तो हम नहाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्योंकि हम सुबह से नहाए नहीं हैं, सुबह से निकल गए हैं। तो चलो चलते हैं। पटली से आते हुए रास्ते में ही प्लान बन गया कि हम नहाते हुए जाएंगे, तो नहाने के बाद जाएंगे। तो हम अभी जा रहे हैं नोलिचा वाटरफॉल। तो यहाँ कुछ टिकट वगैरह काट रहे हैं, पता नहीं क्या। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं। तो ये रहा टिकट, कुछ काटना पड़ रहा है, तो चलो अभी चलते हैं। बाइक यहाँ खड़ा करके हम जा रहे हैं, अभी ऊपर चल के जाना पड़ रहा है क्योंकि देखो रास्ता है ये खराब है, पहाड़ में चढ़ना जैसा लग रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं। ओ भाई खराब हो चुका है हालत पूरा खराब है, चल के जाना पड़ रहा है कितना दूर। यहाँ का देखो लोकेशन, देखो हाय गजब लोकेशन है। ओ भाई जन्नत देखो, भाई जन्नत देखो यहाँ। ओ भाई कहा हम नहा लिए हैं, नहाने के बाद हम सीधा चलते हैं चंद्रासन के मंदिर, वहाँ हम जाएंगे और दर्शन करेंगे, वहाँ से हम निकलेंगे। अभी यहाँ हमको बज चुका है 10 के आसपास, तो यहाँ से सीधा निकलते हैं और मिलते हैं चंद्रासन के मंदिर। तो बहुत दूर है यहाँ से, लगभग 50 किलोमीटर, 1 घंटा लग जाएगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं। तो हम आपखोल पे नहा धो के अभी सीधा निकल रहे हैं चंद्रहासिनी माँ का मंदिर, यहाँ से 50 किलोमीटर है और अभी बज चुका है 10। तो अभी सीधा चलो चलते हैं और मिलते हैं चंद्रहासिनी के मंदिर पे। ये देखो मेरा बाइक यहाँ खड़ा है, हैंडगार्ड लगाने के बाद कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी टूरिंग सेटअप पूरा करना है, तो चलो चलते हैं, सीधा मिलते हैं चंद्रहासिनी के मंदिर पे।
है, चलो अंदर चलते हैं भाई। यहाँ भी कितना भीड़ है देखो, सामान खरीदने के लिए। चंद्रासी जाने का पहले ये मंदिर पड़ता है, तो पहले इस मंदिर को दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे चंद्रासी मंदिर। तो ये देखा मंदिर, तो चलो सीधा चलते दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये रहा मंदिर, कितना भीड़ है। तो चलो यहाँ से चलते हैं सीधा चंद्रासनी के मंदिर। हम पहुँच चुके हैं, फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंद्रासनी के मंदिर। ये देखो सामने माता चंद्रासनी के। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चंद्रासनी के माँ का मंदिर। तो अभी हम यहाँ देखो गाड़ी पार्किंग यहाँ करके हम सीधे मंदिर पे जाते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो देखेंगे। तो चलो पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद। तो भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ मंदिर पे। तो भाई बहुत भीड़ है यहाँ देखो, मतलब गजर का भीड़ लगा है माँ का मंदिर पे। यहाँ भीड़ देखो कैसे। मतलब इतना भीड़ लगा हुआ है माँ का मंदिर पे। तो चलो दर्शन कर लेते। तो भाई भीड़ देखो। ऊपर से व्यू कितना आ रहा है। टिकट देखो, टिकट करना पड़ रहा है यहाँ अंदर जाने के लिए। ओ भाई अंदर का नजारा देखो भाई, भाई 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 भाई। मूवमेंट हो रहा है आप देख सकते हैं, मतलब अच्छे से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो लाइट हो गई इसीलिए जहाँ देखो ग्लास ही ग्लास है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, जहाँ देखो मैं ही दिख रहा हूँ। ओ भाई जहाँ देखो ग्लास ही ग्लास है, मतलब कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। ग्लास हाउस पसीना छूट रहा है गर्मी से। चलो चलो तो यहाँ प्रसाद मिल रहा है, बहुत भीड़ है प्रसाद। ये देखो प्रसाद, ये हम घूम फिर के ये प्रसाद कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। पहले गए हम दर्शन भी कर चुके हैं और प्रसाद भी खा चुके हैं।
और सब घूम फिर चुके हैं, तो अभी सीधा निकल जाएंगे घर पे क्योंकि बहुत देर हो चुका है। अभी हम घर जाना है यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास। सो तो चलो सीधा चलते और मिलते हैं घर पे। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टाटा।